सो फाइनली दोस्तों वीडियो आप लोग आज लोग यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैं भी दिखाने लाया जा रहा हूँ क्या बोलते हैं दरवाज़ा खोले अलीना सेरी बना रही है, और पहले रमजान की पहली सेरी घर में घुसते पहले खुशबू आ गई। और खुशबू खुशबू सेरी का सामान पड़ रहा है, खुशबू खुशबू। ओए होए पराठे बन चुके हैं, सालन बन चुका है, ओए होए सेरी, आहा मज़ा आने वाला है साहब। इसका सारा इसके बाद सारा दिन भूखा भी रहना है, तो सेरी की तैयारी है, सेरी करें, इसके बाद नमाज़ पढ़ने चलते हैं, आके फिर सोएंगे, फिर उठेंगे जोहर की नमाज के बाद। जो है मैं स्टेबल को उठा के यहाँ लगाने लगा हूँ, क्योंकि सेरी हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो सेटिंग वेटिंग कर रहा हूँ, सारी चीज़ें बना रहा हूँ। तो फाइनली ये रही हमारी रमज़ान की पहली सेरी, जो कि हम लोग अभी कर रहे हैं, और अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। जो है जैसा हमारे अल्लाह पाक ने हमसे वादा किया है रिजक हर चीज़ का, हर चीज़ हमारी पूरी हो जाती है अल्लाह पाक के करम से। तो अभी जो है सेरी कर लें, इसके बाद आप लोग से मिलते हैं और आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू। अभी हो रही है लाहौर में अजान, और अक्सर ऐसा होता था कि हम लोग जब भी सेरी अफ्तारी कर रहे होते थे तो लाहौर की अजान सुनते थे, हम भागे भागे घर पे आ जाते थे। लाहौर में सबसे पहले अजान होती है ना पाकिस्तान में। और मेरा जो है लस्सी के अंदर, वो लस्सी बोल रहा हूँ, सेरी के अंदर जो है सबसे फेवरेट चीज़ जो है ना वो ये है लस्सी। ये ना हो ना तो मैं सेरी के अंदर सेरी भी छोड़ देता, बोलता बगैर सेरी का रोज़ा रख लूँ, क्योंकि शुरू से आदत है, जब से आदत है रोज़ा रखना शुरू करें, सेरी में लस्सी लाजमी पिए मैंने, इससे पूरा दिन जिस्म ठंडा रहता है, सीना पूरा ठंडा रहता है इससे। और अभी हम लोग पाकिस्तानी सारी फैमिलियाँ जो है चैनल खोले हुए होते हैं और अजान का इंतज़ार कर रहे होते हैं, यहाँ पे अफ्तारी भी यहीं पे देख के कर रहे होते हैं। तो दोस्तों अभी जो है सेरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रह गए, वो मेरा तो बेहतर है, क्योंकि मैं तो 3-4 साल से अल्लाह पाक का शुक्र है पूरे रोज़े रखने वाला हूँ, ये जो है ना रोज़ा और जो है ना इससे मैं पूरे रोज़े इस बार रखवाने वाला हूँ इंशाल्लाह। कल के दिन ना मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने तो कभी शोला पहले से ही पहन लिया, मैं बच गया, मेरे दोस्तों को मैं आप दिखाऊंगा, सारे जो शैतान बंद हो जाते हैं ना फिर वो कैसे मंदे कर लेंगे ना, सारे नमाज़ पढ़ के, मतलब क्या नाम है, अभी सेरी के अंदर तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वहाँ नहीं जा सकूँगा, यहीं नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। तो सेरी के बाद भी अगर आप लोग को नज़र आ जाते हैं ना नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर घूम रहे फिर रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं सब लोगों, उन सारों को दिखाऊँगा, सिर्फ मेरे दोस्त हैं और कोई नहीं है, बाकी सारे माशाल्लाह नमाजी है, तब मानने वाली बात है मेरे दोस्त। अभी खाए क्या बोलते हैं, सिर्फ 4 मिनट रह गए, और आप सबकी तरह कराची वालों की तरह पानी की बोतल सामने, और जैसे ही 2-3 मिनट रह जाएंगे पानी की बोतल पूरी पी के फिर क्या बोलते हैं सेरी बंद कर देंगे। तो रोज़े हैं अल्लाह पाक का शुक्र है। तो कल हम लोग दिन में जाएंगे अलीना के लिए ग्रोसरी वगैरह के लिए, सारी चीज़ों के लिए जो जो रह गई है, क्योंकि आज अर्जेंट में नहीं हो सका, अब कल जाऊंगा दिन के अंदर रोज़े के अंदर इसको लेके, क्योंकि मैं तो रोज़े के अंदर काम भी किया है, मैंने लोडिंग का काम भी किया है, सारी चीज़ें करी है, तभी बता रहा हूँ, नमाज पढ़ के फिर सो जाते हैं। मैंने कसम से मम्मा से पूछ लेना, मैंने क्या नाम है ना रोज़ों के अंदर लोडिंग का काम किया है, तभी तो मुझे आदत पड़ी है, सही करिए। तो अभी सुबह का कोई क्या बोलते फजर का टाइम ऐसा हो रहा है और नमाज हो चुकी है, तो क्या बोलते हैं रोशनी होने में भी टाइम है, कम से कम 15-20 मिनट होंगे रोशनी होने के अंदर, तो सोने लगे, सोने के बाद उठते हैं और आगे के ब्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो साथ रहें। सो फाइनली दोस्तों सुबह हो गई है और अलीना ने कपड़े पहले से इस्तरी करके रखे थे, तो मैं रेडी हो गया, क्योंकि कल के जो इसने कपड़े थे ना मेरे को मेरे निकाह का जोड़ा पहना दिया था, उसकी वजह से मैं इतना फिट हुआ हुआ था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था, तो मैंने कपड़े भी जो है बदल लिए हैं और अलीना को लेके जा रहा हूँ ग्रोसरी के ऊपर। और आज जो है पहला रोज़ा है, तो ना ब्लॉग बनाने की हिम्मत हो रही थी, ना क्या बोलते हैं ना कहीं जाने की, अलीना मैडम को भी कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसको पहले ही रोज़ा लग रहा था इतना। इधर आओ ज़रा, इसके खाली ना चेहरे से खुद पता चल जाएगा इसको रोज़ा लग रहा है नहीं लग रहा। मैं सोई भी उठी हूँ तो मेरे चेहरे पे दिख रही। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, चले आए क्या बोलते हैं ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं, फिर अपने रोज़े की तैयारी करते हैं अफ्तारी की हर चीज़ की, तो आ जाए फिर मुझे नमाज भी पढ़नी है, जल्दी आ जाओ, चले आ जाए सर। आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश हुई थी तो सारा सामान देने से।
नहीं मैं नहीं पीऊंगी। तो फाइनली अभी जो है आज हुई है कराची में बारिश और सारा सामान लखनऊ में ले लिया ये बड़ा हुआ और ये लेके घर जा रहे हैं। बाकी जो है लेने के लिए सारी जो बाहर से लेनी है सारा सामान भी लेते हैं। चले बंदर दिखाऊँ बंदर को चलने दिखाऊँ। फाइनली दोस्तों घर आ गए हैं और क्या क्या सामान लेके आए हैं सारी चीज़ आप लोग को दिखाते हैं। कि पहले जो है मम्मा जो है सारी चीज़ें दिला के गई थी हमारे को, जो बड़ा बड़ा सामान होता है आटा घी वी तेल वगैरह सारी चीज़ें वो घर के अंदर गोश्त हो जाए मुर्गी हो जाए सारी चीज़ें क्या रखवा के गई थी। जो खाली हमें रोज़े के लिए सामान लेना था जैसे ये देखें दूध का पैकेट एवरीडे का और ये बिस्किट वगैरह ये क्या नाम है इसके लिए क्या बोलते हैं यार नहीं पड़ेगी कोई बात नहीं। मेरे को अच्छा लगता है कि सारा दिन जब प्यास में हो ना और जब आप कोल्ड ड्रिंक या गुड़ मारो हो ये बहुत अच्छा लगता है। ये आपके लिए भी नहीं मानो और मेरे लिए खाली दोनों तो आपने, नहीं जब आ गई है तो। आपने मना कर दिया था वहाँ पे खड़ो के बोला मैं मेरे को नहीं पीना तो वो सारी चीज़ें अल्लाह पाक का शुक्र है। कल मैं सोच रहा था कि कहाँ से आएगी चीज़ें समोसे वगैरह सिर्फ एक फ्रूट रह गया क्योंकि फ्रूट पर इतना रश था तो मैंने बोला अभी नहीं कल इंशाल्लाह लूँगा क्योंकि कल सभा को भी लेकर आऊँगा ना तो कल सभा में लेना जाएंगे दिन के अंदर दोपहर के वक्त ही जाके लेके आ जाएंगे फल। तो अब ये सारी चीज़ें लेना वो रेडी कर ले अफ्तारी तो फिर आप लोग से अफ्तारी में मिलते हैं हम लोग। तो रोजे की तैयारी हो चुकी है अफ्तारी करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से कंटिन्यू करेंगे अफ्तारी के बाद। तो फाइनली 2-1 स्टार्ट। अब दुआ पढ़ लो तो अभी जो है मगरिब की नमाज़ हो चुकी है और नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ फिर ईशा है तरावी है उसके बाद जो है आज है एक नाइट का मैच हमारा। तो मगरिब का हमेशा ऐसा होता था डायरेक्ट वहाँ आ जाते थे होटल पे सारे दोस्त वगैरह ना फिर चाय पीते थे क्योंकि सारा दिन चाय की तलब होती है हमारे को। तो अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ होटल वहाँ पर क्योंकि इस बार हम लोगों ने ना रमज़ान में बहुत सी चीज़ें मिस करी है जो कि हम लोग मतलब पहले अपने घर पर करते थे। ऊपर से मामी वगैरह सफ्तारी आती थी हमारे घर पर मम्मा जो है बना के बेचती थी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने अपनी मिस करी है। क्या नाम है फजर के बाद बाहर घूमना फिरना थोड़ी देर फिर आगे घर पे सो जाना फिर उठना बाहर चले जाना तो आज जो है ऐसे निकल गया दिन। और आज जो है 23 मार्च भी है और पहली जो है पहले रोज़े पे ही बारिश हो गई। मौसम तभी ठंडा था हालांकि लाइट भी गई हुई थी दिन के अंदर लेकिन नहीं पता चला। कि मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ फिर अगले दिन के ब्लॉग की तैयारी करता हूँ। आपने कुछ बोलना है लोगों अभी तक होता लग रहा है इसको अभी तक रोजा लग रहा है मजाक से के बोल रहा है इसको अभी तक लग रहा है रोजा यार बस करो लड़ खुद रहे थे रोजा लग रहा था खुद को तो अफ्तारी नहीं बना रहे थे ना इस वजह से लड़ रहा था मैं नहीं आपको रोजा लग रहा था तब लड़ रहे आज इसने अफ्तारियां इतनी खास नहीं बनाई लेकिन कल ये लाजमी बनाएगी अगर कल नहीं बनाए तो कमजोर का फट्टा होगा। तो अभी जो है ये जो सारी चीज़ें क्या नाम है जो बच गई थी ना तो मैं वैसे ही जा रहा हूँ होटल तो जाते हुए किसी गरीब को दे दूंगा ज़ाया होने से अच्छा है कि क्या बोलते किसी के पेट में चले जाए तो अच्छी बात होगी क्योंकि अम्मी नहीं है और हुसैन नहीं है मैं इस हिसाब से ज़्यादा ले आया था तो चले आए चलते हैं होटल पे वहाँ जाके ब्लॉग को एंड करते हैं। तो अभी जो है एक ही बंदा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे मुसलमान बना हुआ बाकी सारे तो नहीं आ रहे। होटल के ऊपर भी तरक्की हो गई है कुर्सियाँ वर्सियाँ नहीं आ गई है और अरबाज भाई भी अभी नहा धोकर आएंगे माशाल्लाह फिर नमाज के लिए जाएंगे मतलब साथ ही जाएंगे अभी नमाज के लिए ईशा का। तो हम लोग अभी चाय पी रहे इसका नमाज पढ़ेंगे उसके बाद हमारा मैच है तो आज इसके तरावी तो पड़ेगा नहीं यार तरावी भी पढ़ेंगे भाई क्यों नहीं पढ़ेंगे आप मैं कल के ब्लॉग नहीं 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 डालूंगा कल के ब्लॉग के अंदर मैं एक बता रहा था शैतान का कि बोले कल देखना खाली टोपी पहन के रवि शैतान पहन के आएंगे देखो मिल गए भाई अभी एक बंदा रहता है मोहसिन भाई अभी मोहसिन भाई रहता शाम में तो कमीज सलवार पहने हुए थे पहले पैंट शर्ट पहना क्या पैंट शर्ट पहना कमीज सलवार पहनो लेकिन अल्लाह को राजी कर लो बहुत है मौसमी मुसलमान सारे आ चुके सही है। अभी तरावी पढ़ने के बाद हमारा क्रिकेट का मैच है आईफोन 11 12
तो वो मैच इंजॉय करवाएंगे। तो इस व्लॉग को हम लोग करने लगे यहीं पे होटल पे एंड, और होटल पे भी तरक्की हो गई है क्योंकि रमजान आ गया, रमजान में सब चेंजिंग होती है। तो मिलते हैं आप लोग से अगले व्लॉग के अंदर, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।